सभी को जय हिंद। राजपाट सब छोड़ छाड़ कर युद्ध किया, बलिदान दिया, खून से अपने सींच सींच कर भारत माँ को प्रणाम किया, मुगलों के सर को काट काट कर परचम स्वाभिमान किया, कर गई माता जो हर हर छत्राणी ने अभिमान किया, वीरों के बलिदानों ने सद्गौरव मान बढ़ाया है, राजपूत हर एक पुत्र ने चामुंडा को रक्त की भेंट चढ़ाई, तब आजादी आई, जितना भी लहू था तन में बहा दिया वतन के वास्ते, एक भी कतरा ना रहने दिया तन के वास्ते, आती तो है मौत सभी की और मरते तो है सब लोग, मगर मौत है वही जो आए वतन के वास्ते। बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी पे अभी ये जो टॉपिक चल रहा है, ये कोई भी कंट्रोवर्सी का टॉपिक नहीं है, इस विषय पर बात होनी ही नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों लोग कर रहे हैं, बट आपको इस चीजों का जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में, 15th of August, ये डेट याद रखिए, इस टाइम पे हमें आजादी मिली थी। अभी कुछ लोगों ने कहा है या कुछ महिला ने कहा है कि हमें 2014 के अंदर मिली है आजादी, वो सरासर गलत है। एक महिला के कहने पे इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है जो कि होने ही नहीं चाहिए थी। हाँ, बात बस वही है कि हमने उनको बहुत ऊंची पद पे बिठा रखा है, या क्या कहें, सेलिब्रिटी बना रखा है, कि वो जो कहेंगे वो तो लोग तो इन्फ्लुएंस उनसे होंगे ही, तो बस यही कहेंगे कि इतने बड़े पद पर या इतनी बड़ी पोजिशन पे आप जाकर, और अगर आप कुछ भी कहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कहा कीजिए, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हम तो इतने छोटे हैं, तो भी हमें एक एक बात बोलने के लिए पहले सोचना पड़ता है कि कहीं कुछ गलत इन्फ्लुएंस तो ना हो जाएगा। तो हम अगर सोच सकते हैं तो आप इतने बड़ी पोजिशन पे तो कम से कम सोच सकते हैं। बहुत ज्यादा यूथ को आप टारगेट करते हैं और बहुत ज्यादा यूथ आपको देखती है, तो कम से कम सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, और ये चीजें तो कोई बात करने की नहीं होती है। हमें आजादी मिली थी और कितनी मुश्किलों से मिली थी और आजादी छीनी गई थी। मेरे गुरु ग्रैंड मास्टर शिवपुजी शौर्य का वन ऑफ द लेटेस्ट वीडियो जो कि कल आया है, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आखिरी के अंदर पॉपअप होगा उस वीडियो का, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस 6 मिनट के वीडियो में आपको आजादी के बारे में इतना सब कुछ पता लग जाएगा, ये मैं बेट करता हूँ। आज तक आपने इससे अच्छा वीडियो नहीं देखा होगा जिसके अंदर आजादी के बारे में इतना सब कुछ बताया गया है। वीडियो जाके देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ये मेरा आप सबके लिए एक संदेश है, उनके लिए भी जो ये सोचते हैं कि किसी एक खानदान ने आजादी दिलाई, या जो ये सोचते हैं कि 2014 में आजादी आई। एक बात इतिहास गवाह है विश्व का, आजादी कभी भेंक में नहीं मिली, आजादी छीनी गई है, लहू बहाया गया है, फांसी पर टंगे हैं, कोड़े खाए हैं, सलाखें कटे हैं, बीच से मरे हैं, दफन हुए हैं वतन के नाम पर, तब आजादी आई है।